नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे रिलायंस पावर लिमिटेड की, जिसने आज ही अपना फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस किया है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे टोटल इनकम है 40,68,00,000 दिसंबर 2023 के क्वार्टर में। हम अभी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जबकि सितंबर 2023 के क्वार्टर में था 47,87,00,000 टोटल इनकम। दिसंबर 2022 में 33 करोड़ की टोटल इनकम थी। टोटल एक्सपेंस है इस बार 40,35,00,000 और प्रॉफिट और लॉस आफ्टर टैक्स है 33,00,000 मात्र। इसी तरह से सितंबर क्वार्टर की बात की जाए तो एक्सपेंस है 41,78,00,000 की और टोटल प्रॉफिट है ये है 609,00,000, मतलब 6,09,00,000। दिसंबर क्वार्टर में एक्सपेंस था, दिसंबर 2022 के क्वार्टर में टोटल एक्सपेंस था 117,91,00,000 का और इसको टोटल घाटा लगा था 84,91,00,000 का। तो ये है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट रिलायंस पावर का। पिछले दिन के दिनों इसके शेयर के प्राइस में अच्छी खासी तेज़ी देखी गई है और अगर आप प्राइस की बात करें तो 52 वीक हाई रहा 33.10 रुपये जो कि इसने 8 जनवरी 2024 को अचीव किया था और 28 मार्च 2023 को 9.05 रुपये 52 वीक लो है। लगभग 4 गुना कर चुका है निवेशकों की संपत्ति को अगर किसी ने 52 वीक लो पे ख़रीदा होगा और 52 वीक हाई पर बेचा होगा। आमतौर पे ऐसा लोग करते नहीं है, जहाँ डबल या थोड़ा मुनाफा आया बेच करके निकल जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट की। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट में आप भी स्क्रीन पर देखिए 2,001,54,00,000 की टोटल इनकम है दिसंबर 2023 के क्वार्टर में। सितंबर 2023 के क्वार्टर में था 2,130,83,00,000 की टोटल इनकम और दिसंबर 2022 में था 1,936,29,00,000 की टोटल इनकम। अब हम एक्सपेंस की बात करते हैं और हर बार इसका एक्सपेंस इनकम से ज़्यादा ही रहा है। इस बार 3,179,08,00,000 की टोटल एक्सपेंस रही है सितंबर क्वार्टर में, जबकि 2,308 करोड़ का एक्सपेंस था, जबकि दिसंबर 2022 में एक्सपेंस था टोटल 2,126,33,00,000। इस तरह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 1,177,54,00,000 दिसंबर 2023 के क्वार्टर में और 177,18,00,000 था सितंबर 2023 के क्वार्टर में, जबकि 190 करोड़ का घाटा था, बिफोर टैक्स की बात कर रहा हूँ मैं, दिसंबर 2022 के क्वार्टर में। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड, हम सीधे नॉन कंटिन्यू ऑपरेशन और डिसकंटिन्यू ऑपरेशन को हम छोड़ देते हैं, फाइनल हम इसके प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं तो 1,136,75,00,000 का घाटा है इस क्वार्टर में कंपनी को, जिसमें प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का है 129,06,00,000। तो इससे घाटा थोड़ा कम हो गया है। ऐसे ही सितंबर क्वार्टर में 38,92,00,000 का प्रॉफिट था डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में से और इस तरह से इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लॉस आफ्टर टैक्स बना था 237,76,00,000 और डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में भी घाटा था दिसंबर 2022 के क्वार्टर में 1,73,00,000 का और टैक्स चुकाने के बाद में 291,54,00,000 का घाटा हुआ था दिसंबर 2022 के क्वार्टर में। तो ये थी रिलायंस पावर लिमिटेड की फाइनेंशियल रिजल्ट, जिसमें अभी भी कंपनी घाटे में ही है। चलते चलते हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। आमतौर पे होता है कि प्रमोटर के पास ज़्यादा हिस्सेदारी होती है और पब्लिक के पास कम,
75% तक इजाज़त है प्रमोटर को रखने की और 25% पब्लिक के पास जा सकती है। इस कंपनी में उल्टा है, 24.49%, 24.5% की हिस्सेदारी है प्रमोटर के पास और पब्लिक के पास है 75% की हिस्सेदारी। पब्लिक में अगर नाम देखेंगे तो म्यूचुअल फंड बैंकों के पास कुछ खास हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन भारत की दिग्गज सरकारी कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया के पास 2.70% की हिस्सेदारी है। यही एक बड़ा नाम है इस कंपनी के इन्वेस्टर में। अब फॉरेन पोर्टफोलियो की दो कैटेगरी होती है, कैटेगरी वन और कैटेगरी टू। 8.10% है FPI वन के पास में और टू के पास 0.27% की हिस्सेदारी है। अब देखना यह है कि इसके प्राइस की जो है मूवमेंट अब कैसी रहती है। पिछले कुछ दिनों से तो गिरावट का दौर जारी है इसमें, अब रिजल्ट आने के बाद गिरावट जारी रहती है या मार्केट इसको अलग तरीके से रिएक्ट करता है, ये सोमवार को देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में किसी और कंपनी उसके शेयर की बातें करेंगे। तब तक सिर्फ जानकारी के लिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर सिर्फ जानकारी देते हैं, कोई टिप्स नहीं देते, कोई रिकमेंडेशन नहीं देते, तो सिर्फ जानकारी के लिए हमारे चैनल के दूसरे वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।